हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना के दिखाने लेकर जा रहा। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल बड़ा ही शानदार है व्यूवर्स। पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम यूँ ही ऐसे ही आपको आपके शहर और आपके स्टेट बिहार की पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले किसी भी स्टेट को जानने के लिए ज़रूरी है ये कि वहाँ पे कितना इंडस्ट्रीज़ है, कितने ढेर सारे फैक्ट्रीज़ हैं। तो बिहार के बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहार में कावा। बिल्कुल, आज हमारा ये बिल्कुल पूरा का पूरा मन बन रहा है कि हम पूरे दुनिया वालों को चीख चीख करके बताएं कि बिहार में कावा। तो हाँ भैया, शुरू हो जाओ फिर। तो आज मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ बिहार में कितनी फैक्ट्रीज़ हैं। और ये सिर्फ एक शहर की मैं फैक्ट्री आपको गिनाने लेके जा रहा। अगर मैं बिहार की फैक्ट्रीज़ की लिस्ट पूरी की पूरी लेके बैठ जाऊँ तो शायद एक महीने में भी ये लिस्ट खत्म नहीं होगा, इतनी फैक्ट्रीज़ हैं बिहार में। बट हाँ, वही चीज़ है कि हम बिहारियों को जो है बाहर जाने की आदत है, 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने की आदत है। बट अगर आपको कह दिया जाए अपने शहर अपने राज्य में रह करके अपने राज्य की प्रगति के लिए काम कीजिए, तो हम वो काम नहीं करना पसंद करेंगे। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, हम उन बातों में इंगेज हुए बगैर आज हम जो है जिस टॉपिक में उस टॉपिक की बात करेंगे। तो आज मैं बताने की आपको ले आज मैं आपको बताने लेके जा रहा हूँ कि बिहार में कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना रखा है और मैं आज बिहार के एक शहर हाजीपुर में बताने लेके जा रहा कि यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री है। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हज़ारों फैक्ट्रीज़ का गढ़ है, हज़ारों फैक्ट्रीज़ का घर है, जहाँ पे हज़ारों लोगों को नौकरी मिली हुई है। यहाँ कम से कम 5,000 से 10,000 लोग जो हैं रोज़गार प्राप्त करके यहाँ पे काम कर रहे हैं सीधे तौर पे। मैं डायरेक्टली बता रहा, अब प्रत्यक्ष तौर पे तो ये लगभग 25 से 30 हज़ार लोग को ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रोज़गार देता है। तो चलिए, आपका टाइम बेकार के बगैर मैं सबसे पहले टॉपिक पे आ जाता हूँ। सबसे पहले जो फैक्ट्री है जो मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ वो है पेप्सिको। आपको पता है ये पेप्सिको कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड रिनोन फैक्ट्री है। वर्ल्ड रिनोन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड है, अमेरिका की कंपनी। इसकी शानदार फैक्ट्री आपके हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उपलब्ध है, अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे जो फैक्ट्री है वो है आपका अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अनमोल का बिस्किट आपने बिल्कुल खाया रहा होगा और ये बहुत बड़ा बिस्किट ब्रांड है और ये बहुत बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पूरा इंडिया जो अनमोल इंडस्ट्रीज का बिस्किट बनाया हुआ इनके बेकरी प्रोडक्ट्स खरीदता और खाता है। तीसरे नंबर पे राज मिल्क फैक्ट्री। राज एक बहुत बड़ा डेयरी ब्रांड है पूरे बिहार, स्पेशली दक्षिण बिहार के लिए। और पटना वाले लोगों को पता है कि राज के मिल्क और राज के मिल्क प्रोडक्ट्स आराम से अवेलेबल हैं पूरे शहर में। तो इनका राज मिल्क का फैक्ट्री भी पूरे बिहार में सिर्फ एक ही जगह है, वो कहीं और नहीं बल्कि हाजीपुर के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। चौथे नंबर पे जो हमने रखा वो ट्रीट आइसक्रीम फैक्ट्री, ये बहुत बड़ा आइसक्रीम बनाने का ब्रांड है। और पांचवें नंबर पे जो हमने रखा वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फैक्ट्री, बहुत बड़ा ये फैक्ट्री है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम किसने नहीं सुना रहा होगा, इनका भी बहुत बड़ा फैक्ट्री है, कहीं और नहीं बल्कि हाजीपुर के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। और छठे नंबर पे जो हमने रखा है वो है हल्दीराम की फैक्ट्री, जो कि हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। सातवें नंबर पे हमने रखा है जिस कंपनी को, ये है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। ये जानवरों के लिए चारा और जानवरों के खाने के सीड्स बनाती है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है, गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनी का ये फैक्ट्री है। यहाँ पे भी सैकड़ों लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मिला हुआ है। तो ये खबर है। तो आगे से जो है व्यूअर्स, अपने शहर के बारे में और अपने राज्य के बारे में नेगेटिविटी फैलाने के पहले जान लें पूरा का पूरा, और थोड़ा सा उन चैनल से सावधान हो जाएं जो हमेशा जो है बिहार और आपके शहर को नेगेटिव बनाने के लिए तैयार रहते हैं, ये बोलते हैं कि बिहार में क्या कुछ नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा बिहार में जो है बहुत कुछ है। अगर कोई बिहारी ठान ले कि उसको बिहार से बाहर नहीं जाना है तो बिल्कुल वो यहाँ पर रह करके अपना पूरा जीवन अपनी पूरी आजीविका बड़े अच्छे से चला सकता है। दिल्ली बॉम्बे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं एक स्लोगन के साथ इस चैनल के इस वीडियो को खत्म कर रहा। जय बिहार, जय भारत।